द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं बढ़ते हुए स्मॉग का। जिस तरीके से सर्दियों की आमद हुई और इसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में सर्दियों के बाइस बेशतर वबाई अमराज भी नजर आ रहे हैं, तो साथ में स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तेजी से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि स्मॉग हर गुजरते साल के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में इसका हल क्या होगा और इसके असरात आम आवाम पे किस तरीके से पड़ते जा रहे हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करिए डॉक्टर सदफ। इनसे जरा जानेंगे कि ये स्मॉग का मामला है, आखिर इसका किस तरीके से हल निकाला जा सकता है। सदफ अस्सलाम वालेकुम। सदफ ये बताएं कि जो सर्दियों के साथ हम देखते हैं कि एक सिलसिला शुरू हो जाता है स्मॉग का, खासतौर पर मैं पंजाब की बात करूं, जनूबी पंजाब की बात करूं, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है। क्या इसका हल है, क्योंकि बहुत ज्यादा आमदोरफ्त भी मुतासर होती है, बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, देखें ये जो आजकल स्मॉग की कहते हैं इसको हमें हर साल इसका हमें सामना करना पड़ रहा होता है। तो इसकी जो बेसिक वजूहत है वो तो यही है कि जैसे पंजाब में जैसे आपने कहा कि हर साल मौसम गर्मा में जो है वहाँ पर चावलों की जो है ताश होती है जो अक्टूबर के महीने तक होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनके पास फसल की कटाई के बाद जो खेतों में उनकी बाकियात बच जाती है, फिर उनको जो है जलाने के बाद के साथ साथ उसको जो है फिर उस यानी के जलाने के तरीके से उसको फिर वो डिस्पोज करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वहाँ पर माहौलियाती आलूदगी जन्म दे रही होती है। पूरी दुनिया में जो है इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ये इस तरीके से जो खेतों की बाकियात होती है उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जदीद इक्विपमेंट या मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, बट हमारे यहाँ उसको जो है जला दिया जाता है आग लगाकर। फिर उसकी वजह से धुआं जो है हमारी पूरी फिजा में वहां पर फैल जाता है। और फिर उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आजकल जंगलात के कटाव का, यानी कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेशली जैसे हमारे गांव देहात के लोग हैं, बाकी जैसे हमारे मुल्क के डिफरेंट एरियाज हैं वहां पर जो है बहुत ज्यादा जंगलात को जो है काटा जा रहा है, उसकी वजह से भी माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और फिर ये कि जब देखें हमारे पास क्योंकि अक्टूबर नवंबर में क्योंकि बारिशें तो कम होती है या फिर नहीं होती है, इन्हीं सब वजहों की वजह से जो है जंगलात की जो है कटाव की वजह। अच्छा सदफ ये बताएं जो एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं कि तेजी से इंपैक्ट कर रहा है इसके ऊपर, और एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से खराब हो रहा है जिसके बाइस हर दूसरे या तीसरे शख्स को फ्लू है। इनफैक्ट मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ मेरी भी खुद तबीयत इस वक्त साथ नहीं दे रही, तो ये जो सूरत हाल है क्या कोई तरीकेकार नहीं है कि इसको रोका जा सके, इसको कम किया जा सके और आम इंसान इससे बचा जा सके, क्योंकि घरों में तो कैद हम नहीं रह सकते। बिल्कुल, देखिए ना ये जो जो स्पेशली जो उन एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं जैसे लाहौर के या पंजाब साइड के लोग हैं या जिन जिन एरियाज में आलूदगी बहुत ज्यादा है वहां पर तो लोगों को बहुत ज्यादा जो है पहले गले में खराश भी फिर जो है नजरा जुकाम, तो जैसे उन उन एरियाज में जो जो रहने वाले लोग होते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि या तो स्मोक के दौरान अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरों को या तो मुकम्मल तौर पर झाँप लें या वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए ये जो सर्जिकल मास्क जो हम लोग आजकल कोविड के वगैरह के हवाले से भी इस्तेमाल कर रहे थे वो उसकी इतनी एफिकेसी नहीं होती है, तो ये प्रॉपर N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर ये कि लोगों को भी हमें वहां पर जो है तमाम लोगों को चाहिए कि आलूदगी में ज्यादा से ज्यादा जो है कमी की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सर्दियों के दिनों में भी बहुत ज्यादा लोग जो है गैसेस का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्दी की वजह से भी और फिर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो है आलूदगी में इजाफा होता है। और स्पेशली जो लोग वहाँ पर जैसे डिफरेंट हार्ट डिजीज के जो पेशेंट के लोग होते हैं या फिर जैसे जो दमे के मर्ज के लोग होते हैं उनको चाहिए कि जो स्मोगी एरियाज में अगर वो लोग रहते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत या भागने दौड़ने वाली चीजों से जो है अवॉइड करें, ऐसे एरियाज में नहीं जाएं जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक है, क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होता है फिर उनको सांस लेने में जो है मुश्किल पेश आ सकती है। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं भी आपने कहा कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ये उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक सूरतहाल होती है, क्योंकि ये उनकी जो है जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ दिमागी नशोनुमा पर भी जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही होती है। अच्छा सदफ ये बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम आमतौर पर बात करते हैं ये कहा जाता है कि जब इसके लेवल 100 से एक्सीड करें तो वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट में शुमार किया जाता है। आज की बात करूं तो कराची की बात तो हम बाद में करते हैं कि लाहौर में तकरीबन 433 का ये लेवल स्कोर देखने में आ रहा है।
ये कितना अनहेल्दी है, क्या कुछ इसके नतीज होंगे, क्योंकि लॉन्गर रन में ये तो नजला जुकाम खांसी तो यकीन तो आप एक इफेक्ट है, लेकिन लॉन्गर रन में भी इसके बड़े सारे असरात हैं, क्योंकि लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां लाख हो रही हैं, मुख्तलिफ आर्जों में वो मुबतला हो रहे हैं, ये कितना ज्यादा सिवियर है और इसके लिए हुकाम को कितनी संजीदगी से काम करना होगा। देखिए ये जो भी आप बात करें ना कि इतना ज्यादा हमारे पास ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब जा रहा है उसकी वजह से, देखिए ये तो जो अभी हमारे पास हालात हैं स्मोक की वजह से, ये इसमें तो एक ये इसको मेडिकल इमरजेंसी का नाम देना चाहिए जी, कि जो वहां पर लोगों बट आपको लगता है अवेयरनेस है कि हम यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी इस तरह के मामला की तरफ देखें और मेडिकल इमरजेंसी अनाउंस करें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां पर जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ये जो है खतरनाक चीज है कि जो वहाँ पे स्पेशली बच्चे हैं या जो बुजुर्ग अफराद हैं या जो पहले से ही किसी दमे के मर्ज के या दिल के मर्ज में मुबतला लोग हैं उनके लिए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी की जो है कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी इस तरीके की जो है केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। और जहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म की बात है तो उसके लिए वही तमाम चीजें हैं कि हमारे हमें जो है इसमें इज्तमाही तौर के साथ एहसाबी तौर पर भी लोगों को देखना चाहिए कि हमारी तरफ से जो है पोल्यूशन में कहाँ कहाँ हम अपने एनवायरमेंट में जो है इजाफा कर रहे हैं कि जो हमारे पास खराब गाड़ियां हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी व्हीकल्स हमारे पास सड़कों पर मौजूद हैं जिसमें से जिनकी वजह से जो है फजाई आलूदगी में हमारे इजाफा हो रहा है। और फिर इसके अलावा जो है हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो दरख्तों को जंगलों को बाहर से जो है रिमूव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ना हमें समझने के मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से एक मेडिकल इमरजेंसी की तरफ लेके जा रही है जिसमें अभी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाकर बहुत ज्यादा जो है खतरनाक सूरत है। और सिर्फ ये बताइएगा कि अभी ये हम बात करते हैं लाहौर की, कराची का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर नहीं है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर भी वो अराउंड 200 के आसपास लाई कर रहा है और ये भी एक अनहेल्दी बल्कि सीवियरली अनहेल्दी एनवायरमेंट काउंट करता है। बट कराची में हम देखें तो कराची में फॉरेस्ट वाला तो पहले भी निजाम नहीं था कि यहाँ पे जंगलात कम हो गए हो, जंगलात काट दिए गए हो, यहाँ पे उस तरीके से फसलों की बुआई भी नहीं होती, कटाई भी नहीं होती, उनको जलाया भी नहीं जाता, तो फिर भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हद तक खराब है तो कोई तो वजह होगी ना कि हम कराची में भी हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट इतना ज्यादा खराब है कि हर दूसरा शख्स बीमार नजर आ रहा है। देखिए मैंने इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है, जब हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो है सड़कों का हाल देख लें, वहां पर जो गाड़ियां जो व्हीकल्स वहां पर सड़कों पर हमारी मौजूद है वो किस हद तक हमारी जो है फजाई आलूदगी में हमारे पास डिफरेंट ऐसी रिसर्च रिपोर्ट मौजूद है कि जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स ने किए हैं कि अगर आप जो है सड़कों पर खड़े होकर जो वहां पर हमारे पास पुलिस के या जो डिफरेंट हमारे पास कॉन्स्टेबल्स लोग मौजूद होते हैं उनकी बॉडी में किस हद तक जो है खतरनाक ये जो है पॉइजनस मटेरियल वहाँ के मौजूद होते हैं जो, और जो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके के बिजी एरियाज में जो लोग मौजूद होते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी बॉडी में जो है कितने हद तक ये तमाम केमिकल्स मौजूद होते हैं। और सिर्फ ये बताएं कि ये जो स्मॉग की सूरत हाल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्ली दिसंबर है इस वक्त ये स्मॉग दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्या ये वक्त के साथ बढ़ेगा या इसमें कमी आएगी? देखिए जैसे जैसे ये अभी इसका जो सर्दियों में शिद्दत आएगी तो इसकी भी शिद्दत में जो है इजाफा होगा, फिर जैसे जैसे वेदर चेंज होगा जैसे हमारे पास साल जो है हर साल होता है कि इसके मुख्तलिफ, क्योंकि अभी देखें क्योंकि अभी जो है ना वहाँ पर हवा जो है थोड़ी सी जो है कम होती है तो उसकी वजह से वहाँ का जो है प्रेशर की वजह से स्मोक में फिर इजाफा हो जाता है। तो लेकिन इसमें वही बात है कि इसको हम हर साल इस पर हम डिस्कस करने के बजाय कि स्मोक है स्मोक से ये चीज होती है, हमें चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इसके बारे में डिस्कस करें कि हम इसको हम किस तरीके से जो है खत्म कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप देखें दुनिया में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो बहुत सारी कंट्रीज में से अब वहां से फजाई आलूदगी है या जो इस तरीके के डिफरेंट पोल्यूटेंट हमारे पास जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं उनका मुकम्मल तौर पर वहां से जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो हर साल यही वाली कैफियत होती है जो स्पेशली हमारे पास जैसे कराची की जब आप बात करें तो वहां पर भी लोगों को आजकल लगता जुकाम है, आंखों में जलन हो रही है लोगों के, और जो खासकर अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके जो है दमे की शिद्दत में जो है बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा जो है ये पूरे तब सदफ क्या किया जा सकता है? जरा जो नाजरीन जो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं वो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करें रात को सोते वक्त या दिन के वक्त या काम पे जाते वक्त के वो कम से कम अपने आप को इस सूरत हाल से प्रोटेक्ट कर सकें? देखें और खास तौर पर बच्चे बच्चे
इसमें हमें जो है मास्क का इस्तेमाल करें कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ या आपको किसी ऐसे इलाके में विजिट करना है जहाँ पर फजाई आलूदगी का जो है आपके पास इंडेक्स ज्यादा हो, तो वहाँ पर आप N95 मास्क इस्तेमाल करें और अपने और जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है आंखों पर जो है ठंडे पानी के जो है छींटे मारें ताकि आपकी आईज में जो है अगर वो तमाम स्मोक या वो जो तमाम प्लूटेंट सब्सटेंसेस हैं अगर वो दाखिल हो जाते हैं तो आपकी आंख उससे जो है मुतासिर ना। और फिर स्पेशली जैसे कि मैंने जो अभी कहा कि जो सांस के मर्ज में जो है मुबतला लोग होते हैं सिर्फ एयर प्रेशर, इसमें की देखिए इससे इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शन भी हो रहे जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा के जो लोग स्पेशली जो हम इससे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर में लोग होते हैं वो होते हैं जो हमारे पास मजदूर पेशा लोग होते हैं जो सारा दिन जो है बाहर खुली हवा में जिनका जो है काम होता है या जो बहुत ज्यादा जिनका बाहर से जो है एक्सपोजर होता है वो लोग इससे जो है ज्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। तो अभी अपने घरों में भी जो है हम जो है अपनी इसको फिजा को जो है साफ करने के लिए फिल्टर्स और ऐसे जो है आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद है कि हम अपने घरों में दफातर में और गाड़ियों की जो है फिजा को हम उस तरीके से जो है क्लीन कर सकते हैं। तो हम जो है ना इसमें हमें जो है अच्छा इसमें एक चीज ये भी है कि जो है प्लांटेशन प्लांट्स का भी इंतखाब तो सही तौर पे करना ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो प्लांट्स भी लोग अक्सर प्लांट कर देते हैं जो शायद एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते या उतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल के पहले हमारे पास जो प्लांटेशन है जैसे हम जो अपने बचपन से जो देखते आ रहे थे जो हमारे सिटी में वो प्लांट ऐसे लगे हुए थे जो हमारे लिए फ्रेंडली थे जो एयर फ्रेंडली प्लांट होते हैं कि जो हमें जो है मुख्तलिफ इकसाम की जो है इससे जो है महफूज रखते। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसमें सिर्फ स्मोक पे जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इंसानी सेहत के हवाले से बात करते हैं लेकिन ये जो स्मोक है ना ये हमारे दरख्तों और पौधों पर भी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट कर रहा होता है कि हमारे जो है इसमें इससे हमारे दरख्तों के जो है मसामात उनके जो पोर्स होते हैं वो फिर बंद हो जाते हैं और फिर माहौल में हमारी ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है जो फिर इनडायरेक्टली फिर हमें यानी एज अ ह्यूमन हमें जो है फिर इफेक्ट। तो मतलब गार्डनर्स जो है या गार्डनिंग के शौक रखने वाले हजरात के लिए भी जरूरी है कि वो उन दरख्तों को पानी दें या उन प्लांट्स को रेगुलरली वाटर करें। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर ये कि वही बात है कि अगर उनके एरिया में बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशन है तो वो बाहर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मास्क लगाकर करें ताकि ताकि उनके जो है ना उनकी जो है उसमें सांस के जरिए ये तमाम कंटेमिनेट। ठीक हो गया सरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके मौकफ का और आपने जिस अंदाज से ये पूरी सूरत हाल के हवाले से जो नक्शा खींचा है वो बड़ा अहम है क्योंकि आम तौर पे ये तस्वीर किया जाता है कि जो स्मॉग है वो बस एक हवा है और शायद वो हमारे माहौल को धुंधला सा कर देती है लेकिन दरअसल इसके बड़े सारे नुकसान आते हैं और हेल्थ के एतबार से अगर हम देखें तो स्मॉग बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल पैदा कर देती है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सांस के अमराज में मुबतला होते हैं दमे के अमराज में मुबतला होते हैं और फ्लू जैसी कैफियात तो यकीन तौर पे एक मामूल सा बन जाती हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना ज़्यादा ख़राब है डिटोरिएट है कि हर दूसरा या तीसरा शख्स इस वक्त फ्लू का शिकार है और हर कोई इस वक्त परेशान है कि वो अपनी सेहत को किस तरीके से मेंटेन रखे लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान हमारे हुकाम और हमारी जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इसके ऊपर बर वक्त एक्शन लेंगी और जो स्मॉग की सूरत हाल से हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारे भी इस वक्त जद में आए हैं लाहौर के तालीमी इदारों को के लिए भी मुश्किल हैं और साथ में दीगर मामलात भी जो रोज़मर्रा के हैं उनमें भी मुश्किल नज़र आती हैं। उम्मीद करते हैं ये जो सूरत हाल है काबू में आए और जल्द अज जल्द तमाम तर सूरत हाल पर अगर हम काबू पा लेते हैं यकीन तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान मुनीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।